फन की नाकदरी का रोना हर दौर में रोया जाता रहा है। रिश्वत, उकरबा परवरी और सिफारिश जैसे अवामिल ने हमेशा फ़न पर ऐसी कदगन लगाई कि सालहा साल से फ़न की खिदमत करने वालों का कोई नामो निशान तक नहीं रहा। डेरा इस्माइल ख़ान का एक ऐसा ही बेनामो गुमनाम फ़नकार लतीफ़ मलंग भी है, जो अरसा 30 साल से गले में हारमोनियम डाले इसको रोज़गार बनाए अपनी नाकदरी का शिकवा करते नज़र आता है। जाकर दिल को हाल बफाया दे ते वत खबर निके दे आगे दिल शाद मां ये जग सारा दर दर दिया ठोकर खा ना कहीं सारी सोची है ना कहीं कीती है असा उ रोड ते पिंदे ते रुलदे वदे वाजे ते कारोबार करे ने दिहाड़ी बच्चा दी बणावे ने ना कोई सारन तावन कीते कहें ते ना कोई सारन थिए। सिफारिश ना होने और तंगदस्ती जैसे अवामिल ने लतीफ़ मलंग ऐसे लोक फनकार को रेडियो या टीवी स्क्रीन के बजाय स्ट्रीट सिंगर बना दिया है, जिसकी आवाज़ में शायरी और धुन के इम्तजाज के साथ साथ उम्र भर का एक कर्ब भी शामिल है। ए मालिक तेरी कुदरत दे ते हर वक्त निराले रंग आठ अफराद के खानदान का ये वाहिद कफील सारा सारा दिन गाना गाते अपने बच्चों की रोजी रोटी का सामान करते नजर आता है। लतीफ़ मलंग जैसे लोक फनकारों की फलाह बहबूद और उनकी फनी खिदमात के एतराफ़ के लिए उन्हें भरपूर पजीराई देना होगी, वरना लोक विरसा के ये अमीन इस फन समेत अपनी मौत आप मर जाएंगे। लतीफ़ मलंग जैसे कई लोक फनकार डेरा इस्माइल ख़ान की इन झुग्गियों में बसेरा करते हैं और गाना गाकर अपने बच्चों की रोज़ी रोटी का सामान करते हैं। अगर सिफारिश और अकरबा परवरी जैसे अवामिल को इनकी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो इन लोक फनकारों की आवाज़ भी रेडियो और टीवी स्क्रीन की जीनत बन सकती है। कैमरामैन साजिद अक्सी के साथ काशिफ नवीद, डेरा इस्माइल ख़ान।